हेलो फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स, दिस इज़ माधुरी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल माधुरी डिकोड। आज मैं आपके लिए लेके आई वेरी टेस्टी साउथ इंडियन डिश। इसका नाम है अप्पे या पड्डू, जनरली हम इसे पड्डू कहते हैं। एक्चुअली ये साउथ में बहुत ही फेमस और बहुत पसंद किया जाने वाला एक ब्रेकफास्ट और स्नैक्स रेसिपी है। इसमें ये बेसिकली इडली या डोसा के बैटर से बनाते हैं, और इसके लिए एक मोल्ड होता है, उस मोल्ड में इसे डाल के स्टीम करना है। और ये बहुत कम तेल में बन जाने वाला एक हेल्दी सा और ब्रेकफास्ट और स्नैक आइटम है। तो इसे हम देखेंगे कैसे बनाना है। यहाँ पर मैं जो अप्पे बना रही हूँ, ये मैंने सूजी या आप रवा बोलते हैं ना, मीडियम साइज़ वाले सूजी से उससे बना रही हूँ, आपको दिखाऊंगी। ये बहुत ही आसान है और बहुत ही टेस्टी लगता है। तो अब देख लेते हैं कि ये पड्डू बनाने के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। और यहाँ मैंने लिया है एक कटोरी सूजी भर के, और इसे एक बॉल में डाल लेती हूँ। फिर ये घर की बनी हुई दही है, थोड़ी सी कम गाढ़ी है, इसीलिए मैंने एक कटोरी से थोड़ा कम लिया है। अगर आपके पास थिक कर्ड है, अच्छी गाढ़ी दही है जमी हुई, तो आप उसे हाफ कप भी ले सकते हैं। तो यहाँ मैं डाल रही हूँ सूजी लिया पहले, फिर उसमें दही डाल रही हूँ और इसको मिक्स करके देखेंगे। सूजी पानी को बहुत जल्दी सोख लेता है, तो दही डालने के बाद इसमें हम फिर हाफ कप के लगभग पानी डाल के उसको विस्क कर देंगे। मैं इसे आप किसी भी चम्मच से भी कर सकते हैं, मुझे एक आसान सा टूल मिल गया है जिसके हिस्से ये बहुत आसान हो जाता है। तो ये विस्क से फटाफट से मैं फेंट लेती हूँ। और बैटर को मैंने ढक के रख दिया था। ये देखिए सूजी फूल के कितनी अच्छी हो गई है। 15-20 मिनट्स रख सकते हैं। आप सुबह में ब्रेकफास्ट टिफ़िन में पैक करने के लिए बच्चों के लिए बनाना चाहते हैं तो सुबह थोड़ी सी जल्दी उठ जाइए, 15-20 मिनट पहले सोक कर लीजिए। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ महीन महीन कटे हुए फाइनली चॉप्ड ग्रीन चिलीज, और एक प्याज को भी मैंने छोटा छोटा कट करके डाल दिया है, और ये मैंने डाला करी लीफ, उसको भी कट करके डाल दिया, और धनिया पत्ती, फ्रेश कोरिएंडर लीव्स डाल रही हूँ। और यहाँ बहुत छोटा एक पिंच से भी कम ही डाला होगा हल्दी मैंने, और डाला नमक, और इसको अच्छे से मैं कर रही हूँ मिक्स। आप भी जब बनाइए इसे अच्छे से ऐसे फेंट लीजिए, सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो जाने चाहिए। यहाँ बैटर थोड़ा गाढ़ा है, तो मैं इसे थोड़ा थोड़ा माप के 1-1 स्पून करके पानी मिक्स कर रही हूँ। ज़्यादा भी पतला हो जाएगा तो पड्डू या अप्पे है ना, वो अच्छा नहीं बनेगा। और ये मैंने डाल दिया 2 चुटकी के आसपास कुकिंग सोडा। ये सोडा क्या है ना, उसे अच्छे से फूलने में मदद करता है। और यहाँ देखिए मुझे लग रहा है कि बैटर थोड़ा सा ज़्यादा गाढ़ा है, तो मैंने 2 स्पून और पानी डाल दिया। तो आप देख रहे होंगे आपको इसी कंसिस्टेंसी का बैटर चाहिए, बहुत रनी भी नहीं चाहिए और बहुत गाढ़ा भी नहीं चाहिए। एकदम परफेक्ट बैटर बनके रेडी है। और अब मैंने ये लिया अप्पे पैन। ये पड्डू पैन बहुत आसानी से मार्केट में मिल जाता है किसी भी बर्तन की दुकानों में। उसके साथ एक मिला है स्टिक जो पड्डू को पलटने में और उसे इस मोल्ड से डीमोल्ड करने में या बाहर निकाल के रखने में हेल्प करता है। ये देखिए मैं कितना कम ऑयल डाल रही हूँ, 2-2 ड्रॉप के आसपास मैं इसमें ऑयल डाल रही हूँ। और पैन हीट हो गया, आप चाहे तो इसे उससे स्पून से फैला लें या फिर जस्ट इसे शेक 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 करेंगे और ये अच्छे से इसमें चारों तरफ लिपट जाएगा ऑयल। तो इससे हमें पड्डू को डीमोल्ड करने में, पलट पलट के पकाने में आसानी होगी। अब बैटर बन के रेडी है और पड्डू पैन भी हीटेड हो गया है। फ्लेम को लो टू मीडियम रखेंगे, लो रखेंगे ताकि वो अच्छे से अंदर तक भी पक जाए। और यहाँ 1-1 स्पून करके ये पैन में पड्डू का बैटर डाल देना है। एक बार में
आप देख सकते हैं यहाँ हम 9 पड्डू बना करके रेडी कर सकते हैं। एक एक स्पूनफुल डाल देना है इसमें। और ये मेरा नॉनस्टिक का पड्डू पैन है, वैसे मार्केट में आयरन की भी मिलते हैं, लेकिन अभी चूँकि मैं इन चीज़ों को बहुत रेगुलरली नहीं बनाती हूँ, पसंद तो बहुत है, लेकिन जिन घरों में हफ्ते में एक या दो बार बनता रहता है वो लोग आयरन के पैने बनाते हैं। मैं इसे मंथ में एक दो बार तो बना ही लेती हूँ, मेरे घर में सबको बहुत पसंद है और इतना टेस्टी और आसान सा बनने वाला ब्रेकफास्ट आइटम है, तो जब कहिए तभी रेडी हो जाता है ना। ये देखिए मैं धीमे धीमे से करके इसे वो स्टिक दिया हुआ ना उससे टर्न कर ले रही हूँ। यहाँ थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता से इसको डीमोल्ड करेंगे, टर्न कर लेंगे ताकि दूसरे तरफ से भी बैटर अच्छे से पक जाए। और यहाँ आप चाहे तो बटर नाइफ है घर पे, तो बटर नाइफ की हेल्प से भी आप इसे टर्न कर सकें। ये देखिए मैं आपको करके दिखा दे रही हूँ कि एक बटर नाइफ लिया है मैंने और उससे धीमे धीमे से संभालते हुए थोड़ा सा प्यार से और उसको टर्न कर लेंगे। इस नाश्ते की सबसे बड़ी खासियत ये है कि जो लोग फिटनेस को ध्यान में रखना चाहते हैं वो कम ऑयल होने की वजह से खा सकते हैं, बच्चे भी खा सकते हैं, बूढ़े भी खा सकते हैं, और जो चटपटा खाना पसंद करते हैं वो भी इसे अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ फिर मैंने डाली है दो दो तीन तीन बूंद के आसपास ऑयल, 2-3 ड्रॉप्स ऑयल काफ़ी है, क्योंकि ये नॉन स्टिक पैन है, इसमें बहुत ऑयल नहीं चाहिए। और ये कवर करके पका ले रही हूँ, पहले भी मैंने थोड़े, और ये देखिए इतना भाप बन गया था, ये पानी भी इसी में आ गिरा, तो अब ये दूसरी तरफ से भी अच्छा पक गया है। फिर एक बार मैं इसे टर्न कर लूँगी और इस तरह से उलट पुलट के इसे अच्छे से थोड़ा गोल्डन गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। तो क्या होगा, ये बाहर से गोल्डन और क्रिस्प रहेगा और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट। जब बन जाएगा ना मैं आपको तोड़ करके भी दिखाऊंगी, यकीन मानिए जब आप बना कर खाएंगे ना मुझे याद ज़रूर करेंगे, और अपना एक्सपीरियंस आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। कितना अच्छा फ्राई हुआ है, थोड़ा सा टाइम लेता है, अगर आप इसे थोड़ा थोड़ा वक्त 30 सेकेंड to 1 मिनट एक्स्ट्रा टाइम देंगे ना तो ज़्यादा घबराने की और जल्दीबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। आप देख ही सकते हैं कितना सुंदर बना है, बहुत जमी दिख रहा है। और ये देखिए वो जो स्टिक जैसा दिया हुआ है, जो स्टिक दिया हुआ है वो एक तरफ से पॉइंटेड है, तो ये देखिए मैं उसे पोक कर रही हूँ और निकाल ले रही हूँ, तो हाथ चलने का भी डर बिल्कुल नहीं है। अगर सीख जाए ना और बैटर रेडी हो तो बच्चे भी इसे आराम से बना सकते हैं आपके गाइडेंस में। और ये देखिए मैं डाल रही हूँ, इतने सारे 9 पड्डू मेरे रेडी हो गए हैं, और अब मैं फिर से डाल रही हूँ, ये मैंने दूसरी बार उसी मोल्ड में डाल दिया और कवर करके पका ले रही हूँ। फिर से वही सारे स्टेप्स, इसको टर्न करके पका लेना है, फिर 2-3 ड्रॉप ऑयल डालना है, और इतने कम तेल में बनने वाला एक ही बहुत ही यम्मी सा ब्रेकफास्ट स्नैक्स रेसिपी है।
बेशक आपको भी देखकर उतना ही अच्छा लग रहा होगा। आप यकीन मानिए, मैं ये जब वीडियो एडिट कर रही हूँ ना, मन कर रहा है कि अभी ऐसे गरम गरम आप पे मुझे खाने को, गरम गरम पड्डू अभी खाने को मुझे मिल जाते। और ये मैंने गैस कर दिया बंद, पॉइंट आपको बंद कर दिया, और फिर पॉइंट आपको मैं दिखा रही हूँ ना, देखिए पॉइंट से फोक किया, निकाल दिया। तो हाँ चलो यार, इसको निकालने की कोई, अब ऑयल आप देख सकते हैं कि ऑयल उसमें बच भी जा रहा है, ऐसा नहीं है कि पूरा ऑयल ऑब्जर्व कर रहा है सूजी दही में खुली हुई। ये आपको मैंने बताया था कि मैं इसको तोड़ के दिखाऊँ, देखिए कितना सॉफ्ट बना है और अंदर तक पक गया है ना, और खुशबू इतनी अच्छी आ रही बाहर से कुरकुरा, अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट। और इसको मैंने सर्व किया था कोकोनट चटनी के साथ, उसकी रेसिपी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप ज़रूर बनाएं, खाइए और सबको खिलाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय।